धर्मराज के दोस्त इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। धर्मराज भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। धर्मराज के दोस्त हैं आप? जी जी। कब से दोस्ती थी आप दोनों की? दोस्ती तो हमारी बचपन से ही है। बचपन से ही? जी। क्या उम्र रही होगी उसकी? इनकी उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं है। 16-17 साल। और आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र है 23 साल। अच्छा, तो इतना ज्यादा एज में गैप? एज में गैप क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम है अनुराग कश्यप, उनसे दोस्ती है तो उनके चक्कर में उनसे भी हमारी दोस्ती है। जी। धर्मराज क्या काम क्या करता था? धर्मराज ने इंटर फर्स्ट ईयर किया था, उसके बाद इनके भाई की दुकान थी कपड़े की, मार्केट में है, वहाँ बैठते थे। फिर उन्होंने कहा हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम जाएंगे बाहर काम करेंगे। तो फिर बाहर जाए काम करने के लिए पूना चले गए थे, कबाड़ की दुकान पे। जी। वहाँ किसकी दुकान है वो पूना? वहाँ एक लड़का है, यहाँ गाँव का ही है, हरीश कश्यप नाम है उसका, उसकी दुकान है वहाँ पे। वहाँ पे लगभग 7-8 लोग काम करते हैं, इसलिए वही वहाँ भी चले गए थे। वहाँ से फिर कैसे ये मुंबई गया, ये सब क्या हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली आप लोग? अगर किसी से बात भी होती तो यही बताते थे कि हम पुणे में ही हैं, बम्बई नहीं बताते थे वो। अच्छा। मुंबई बताते ही नहीं थे, पुणे में ही बताते थे। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, उनका मोबाइल हमेशा सोचा भी रहता था। अच्छा। 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन ऐसा सोचा भी रहता, उसके बाद खुलता नहीं था वो। कभी अगर कभी कदार बात हो गई तो 1-2 मिनट बात हुई, ठीक है भाई रख रहे हैं। अच्छा। मेरी बात हुई थी लगभग 10-15 दिन पहले हुई थी, काम के सिलसिले में बात हुई थी हमारी। अगर कोई काम होगा तो बताना, हम भी आ जाए काम करेंगे, क्योंकि उनकी दुकान जो है कबाड़ की, वही काम करने के लिए हमने भी बोला था। अच्छा। जी। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जब वो गया उसके पहले यहाँ वो किस तरीके का काम धाम करता था या क्या करता था? जी, क्योंकि बचपन से तो उन्होंने घर पे ही रहते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बाद या अपना मछली का, इनके पापा का बिजनेस था तो उनमें हाथ बटाते थे। पापा का बिजनेस हो गया बंद तो उसके बाद ये अपनी दुकान खोली भाई ने, तो वहाँ पे रहते थे। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे यही रहने लगे, कहीं जाते नहीं थे, कहीं पहली बार कहीं गए ही नहीं है पहली बार। अरे, ये जैसे आपने बताया कि बहुत कम बात करता था या फोन स्विच ऑफ रहता था, तो इसके पीछे कोई मंशा, कोई संशय कुछ आप लोग कभी नहीं? नहीं, हमको नहीं लगा, क्योंकि वो कहता था यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये है वो है, हम काम करते हैं तो थक जाते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम इसको बताता रहता था। नेटवर्क को कभी ये जानकारी मिली कि वो सत्याकांड? हमको सुबह जानकारी मिली, वही लगभग मैं सो के उठा तो मैंने अपना टीवी खोला, फिर उसमें लिखा हुआ था बाबा हत्याकांड पे, उसमें 2 आरोपी थे, जो एक मेरे गांव का ही लड़का है, वो शिवा नाम है और उनका नाम धर्मराज है। शिवा से कोई बातचीत थी आप लोग? जी, शिवा से मेरी बात नहीं होती थी। उसकी क्या उम्र रही? उसकी उम्र भी ऐसे 16-17 साल से इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि गांठी से थोड़ा छोटा है वो। जी, हाइट वाइट लंबी हो मगर गांठी से छोटा है वो। आप लेकिन शिवा का परिवार क्या करता था, क्या है? शिवा का परिवार वही कॉलोनी मिली घर में रहते हैं, बाकी वो उनके जो पिताजी हैं वो काम करते हैं लेबर का। अच्छा। चुनाई का काम होता है वहाँ पे, वो लेबर का काम करते हैं। जी। और उनके कितना पढ़ा लिखा था कुछ? वो 4थी 5वीं ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ा, बाकी नहीं पढ़ा वो। अच्छा। जी बिल्कुल। तो आप देखिए, जो धर्मराज के जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि उसकी उम्र लगभग 16-17 इसके आसपास ही कुछ थी, और वो इंटर फर्स्ट ईयर तक वो पढ़ाई कर चुका है। कुछ दिनों पहले ही, मात्र 2-2.5 महीने पहले ही वो यहाँ से पुणे भंगार के काम के लिए गया था, और उसके बाद इन लोग के बीच में बातचीत भी बहुत कम होती थी। इस तरीके कृत्य में वो शामिल है, इस तरीके कृत्य में शामिल रहेगा, इस बारे में किसी को अंदेशा तक नहीं था। फिलहाल ये हम जो रिपोर्ट है ये बहराइच के गंडारा गाँव से, जहाँ पर धर्मराज का घर है वहाँ से आप देख रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी धर्मराज कश्यप के घर इस वक्त हम हैं, और धर्मराज कश्यप के पिताजी से हम बातचीत करेंगे। चाचा, नाम क्या है आपका? राधे। आपका ही लड़का था धर्मराज? आपका ही लड़का था धर्मराज? जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 लड़के। कब गया था वो यहाँ से बम्बई? 2-3 महीना हो गया सर। बम्बई गया था? अभी नहीं पता बम्बई गए, कहाँ गए, यहाँ से गए, हमसे आज तक की बात ही नहीं हुई। 2 महीने में कोई बातचीत नहीं हुई? हाँ। आप नहीं करते थे, वो आपसे बात नहीं करता था, क्या हुआ? कोई बात ही नहीं हुई सर। अरे, तो घर छोड़ के आपका लड़का जा रहा है, कुछ पूछा तो अच्छा होगा ना, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? हमसे पूछ के गई मैं नहीं किया। किससे पूछ के गए? अब यहाँ घर से गया, जब हम शाम को आए तो पता चला कि धर्मराज के बाहर, तो उनका कहाँ गया, तो कहीं बम्बई उम्बई गया है। आपको नहीं लगा अचानक से आपका बेटा कहाँ बम्बई चला जा रहा है, क्या करने चला जा रहा है? हमको नहीं पता सर, अब यहाँ यूँ पता चला शाम को कि हाँ वो बम्बई कहूँ गया है। क्या उम्र थी आपके बच्चे की? 17-18 साल की है उम्र। 17-18 साल। किस काम में गया, क्या करने गया? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता सर। कोई पैसा रुपया भेजा वहाँ से? 1 रुपया नहीं, हम ऐसे 1 रुपया मोहताज हैं। आप क्या काम करते हैं? मछली बेची तरह साहब, 3 साल से आँखें खराब हो गई, तो मछली बेचना भी बंद कर दिया, 1 रुपया हम भी खुद परेशान हो गए। और आपके बाकी बेटे क्या करते हैं?
सब अपन मछली उछली बेचा था, चना वना लगाया था, कहाँ ठेके पर। ये कौन से नंबर का लड़का था, ये कौन से नंबर का लड़का था, कितने नंबर पे था, ये दूसरे तीसरे नंबर, कौन से नंबर, चौथे नंबर का लड़का था? ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा, सबसे छोटा है। अच्छा, अब कब आपको पता चला कि आपका लड़का इसमें शामिल है, क्या है? ना ही पता चला सर, आज पता चला, आज कब पता चला? अब जब साहब लोग बताए तब हमको भी मालूम, पुलिस वालों ने जब बताया, पुलिस वाले हमसे कोई मतलब नहीं, आप ही लोग वहाँ पर बुलाए थे तो बताने लगे, तो हमका साहब हमको नहीं पता, हम गए थे दवा लाने आँखें की, तो इधर पता चला कि साहब लोग बैठे थे, उधर चले गए, तो तुरंत घुराई, फिर राधे तुम्हारा नाम कहाँ साहब, हमारा कहीं इधर आओ, चले आए, तब से आप ही लोगों के बीच में हमको अभी ना, हमको पुलिस नहीं पूछा कि हाँ हम रहे नहीं कि नहीं, यहाँ ऐसा अंदेशा था कभी बेटा ऐसा कुछ कर देगा, किसी को गोली मार देगा? ना ना, कोई सवाल ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करता था गांव में? हाँ हाँ, कुछ नहीं, एक मक्खी तक नहीं मारत रहा यहाँ, किसी से ना बोलना, ना आदमी मार दिया, मक्खी नहीं मारता। अरे तो कहा किया जाए, बिल्कुल। तो ये धर्मराज के पिता हैं, जिनका कहना है कि 2 महीने पहले जब वो गया तो उनको पता भी नहीं चला, वो शाम को आए काम करके, तो उनको किसी ने बताया कि उनका बेटा बाहर चला गया है। बाकी जो जानकारी है, पुलिस इस मामले में फिलहाल जो तफ्तीश है वो कहीं ना कहीं कर रही है, पर परिवार को इस घटना के बारे में, परिवार की इस बात का दावा है कि उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। बाबा सिद्दीकी को कल गोली मारने के बाद उनकी मौत हो गई है, उसमें जो शूटर्स शामिल हैं उसमें बहराइच के गंडारा गांव के 2 युवक हैं, और उसमें शिवा के घर पर हम मौजूद हैं। ये शिवा का घर है, शिवा के घर की स्थिति आप देख सकते हैं, और हम उनकी जो माँ है उनसे बातचीत भी करेंगे। ये बताइए शिवा, आपका बेटे हैं? हाँ भैया, हमारा बेटा। कितनी उम्र थी शिवा की? 18 है। 18 है। क्या काम करते थे शिवा? यही भंगार के काम करते ना भैया, गाँव में एक लड़का के दुकान कह रहा है, हरीश नाम के, वो है कह रहे दुकान पर इन भंगार के काम करेगी। कब से जात तो है? वो मैंने 2-3 साल से नहीं जात है, आवत रहा है ये, अब सिल 14 का उन्हें 5 अप्रैल के हैं, होली कही के, होली के 8 दिन कही के चले गए रहे, तब से ना आए हैं। किसके साथ गए थे, कौन लड़का? वो है हरीश के पास गए रहे। अच्छा, हाँ। तो कहाँ, बम्बई रहते थे? अब यूँ ना बताए पे, वे पूना बताए ना, पूना जानित रहा भैया। अच्छा, कब पता चला आपको ये सब घटना? सुबह। आप लोगों को कुछ पता था कि ऐसा कुछ कर रहा है? हमका भैया नहीं पता है कि मतलब ऐसा ही लड़का कही सका था। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़का 3 लड़के। ये कौन से नंबर? दूसरे नंबर। और उनके पिताजी? चौकी महा। तो पुलिस ले गई? हाँ। आप लोग को नहीं कुछ पता बाकी क्या है क्या? और हमका भैया कुछ नहीं पता है बाकी। आप कौन है? हम उनके चाचा है। आपसे बातचीत होती थी? नहीं, हमारी बातचीत 4 महीना हो गई, उनकी बातचीत नहीं। आपको फोन वोन कब करता था वो? फोन वोन नहीं करता रहा है भैया, फोन वोन नहीं करता रहा है। गांव जो हरीश नाम का लड़का है वो ऐसे कहित रहा है, तो वही बा कब्बो का दार बात करा दिया, इतना नहीं नहीं कर रहा है बात हमसे। क्यों मतलब यहाँ आपको, आप लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते? मोबाइल ना है हमारे पास ना, इनके पापा थे रहा तो ईंटा गारा करे चले जाते रहा, तो कहाँ मोबाइल ना ही रहा तो नहीं बात होता रहा, तो तुमसे कहा उनसे कहा तो ऐसे बात हो ही जाता रहा। और पैसा रुपया कुछ भेजते थे घर आप लोग को? हाँ, जब हमारा धंधवा चलत रहा तब कभी कदार भेज दिया रहा, 1000-2000 बस। अब भैया सवेरे से जब से सुना है तब से हमका रोते बीता था, रोते बीता था, ऐसे रोते इनके ऐसा रहा ही नहीं, ऐसा कौन मेरे के फंसा देगा की का होगा। आपको लग रहा है फंसा दिया गया? पता नहीं भैया कि कैसे कहा हुआ, हमारे यहाँ रहा तो कोई से मार झगड़ा लड़ाई नहीं बाबा, कुछ हुआ कैसे कहा हुई हुआ कहा करिए, हमका नहीं लागत रहा, हम मन कहूँ गेहूँ काट यही रहा है, कहूँ धान निराए यही रहा है, कहूँ अब ऐसे धान वान पक गवा रहा है, अब काट पीट यही तो 2 पैसा खाती मंजूरी कही कही खाई रहा, अब यू कहीं सभी बतावत है, बाद में जब जान पाओ तब आप लोग जब आवे जाए लागे हो तभी फोटो वोटो देखा ही नहीं तब जान पाओ। ये शिवा की माँ है और उनका कहना है कि कुछ पिछले 2-3 सालों से वो इनको पुणे बता करके गया हुआ था, गांव के एक शख्स के साथ वो पुणे गया था, और हफ्ते भर में महीने भर में कभी वो बातचीत
करता था, बाकी वो इस तरीके किसी कृत में शामिल है इस बात की जानकारी माँ को नहीं थी। हम इस वक्त बहराइच के गंडारा गांव में शिवा गौतम के घर पर मौजूद हैं और घर की स्थितियां एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये देखिए, सिर्फ जो मकान है, सिर्फ ये दो कमरे का मकान आपको दिखेगा, जिसमें सिर्फ एक जो कमरा है उसके ऊपर छत पड़ी हुई है। दूसरा जो कमरा इधर दाहिने हाथ पर है उस पर टीन शेड है, एक तरफ सिर्फ छप्पर है। कुल मिलाकर के ये स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नाजुक स्थितियाँ, या परिवार किस तरीके से गरीबी में था ये कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा सकता है। शिवा जो है उसके वो कुल छः भाई बहन थे, जिसमें तीन भाई और तीन बहन थे। उसके पिता जो हैं वो उसके पिता जो है ईटा गारा का काम या मजदूरी का काम जो है वो करते थे। उसकी माँ का ये कहना है कि शिवा पिछले 2-3 साल पहले जो है वो यहाँ से बाहर गया था, पुणे बताकर परिवार को गया था काम धाम करने के लिए, और उसके बाद वो महीने में एक बार दो बार इस तरीके से बात जब उसकी माँ किसी से कोशिश करती थी तब वो बातचीत करता था। फिलहाल लोगों के बीच में कोई बहुत कांटेक्ट जैसी स्थिति नहीं थी, और उसकी माँ को आज सुबह जब मीडिया में ये सारी चीज़ें निकल के सामने तब उसकी माँ को पता चला कि उसका उसके बेटे ने ऐसा कृत्य किया है। पर फिलहाल परिवार को किसी को भी उसके इस कृत्य के बारे में कोई अंदेशा नहीं था, ऐसा परिवार का कहना है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है धर्मराज कश्यप, हम इस वक्त उसके घर पर हैं और बहराइच में उसकी माँ से हम बातचीत करेंगे। अम्मा, कब आपका बेटा घर से गया, क्या रहा? 2 महीना का भाई गया भैया। हाँ, इसका नाम जैसा कबाड़ के काम करे पूना का ही है। तो पूना में काम करता था? हाँ, पूना में कबाड़। पहली बार 2 महीने पहले गया, इसके पहले भी गया? हाँ, कब हो नहीं, कब हो लखनऊ नहीं, कब हमारा लड़का तो हम का करी, कहाँ का करी, फंसाए दिन सर पे। फंसा दिए उसको? अब कहता नहीं को फंसाए दिन, का उनके दिमाग में हुई गवा, हम का बात नहीं करा थे तो हम का करी। हमसे यहाँ पूछिन की अम्मा तबीयत कैसे, तो हम कहा भैया ठीक है, तो कहीं 2 महीने के बाद आए थे हम, तो हम कहा ठीक है, ये शायद बात हमसे नहीं भाई। 20 दिन पे आपकी बात हो जाती है? 20 दिन पर बात भाई, 20 दिन हो गई बात भाई, रात अब से हमसे बात नहीं। कितने भाई, कितने बच्चे हैं? हमारे 5 पुत हैं भैया, 3 के बियाह कई दिन है, बिटिया कई दिन अपने घर है। कितनी लड़कियां हैं? एक लड़की है, 5 लड़का। ये कौन से नंबर? सबसे छोटा बच्चा है। क्या साल उम्र होगी इसकी? 10-15 साल के हो। 10-15 साल? हाँ। किसके साथ गया था वहाँ काम करने कुछ है? अभी ऐसे नहीं, तो अकेले भी एक लेके गया रहा, कोई बचम्भा के जात रहा तो वही के साथ में गए रहे। आपको कब पता चला कि आपके लड़का इस? सवेरे जब पुलिस आई है पूछ जांच करी सी तब हमका पता मिला। पैसा रुपया भेजता था वहाँ से आपको? हाँ। कुछ नहीं? अभी नहीं भेजे ने कुछ। कब? पति क्या करते हैं आपके? यानी पति हमारे कमजोर है आँखी से, तो मछली बेचत रहा तो कुछ नहीं बेचत बाचत। घर का खर्चा पानी फिर कौन चलाता है? एक लड़का है अनुराग, तो कपड़ा ही दुकान पर मजदूरी करा था तो वही पावा था, तो वही खर्चा पानी चला था। तो वो गिरफ्तार हो गया है अब क्या? नहीं, उससे बड़ा है एक शादी है। आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है, उसके बाद कुछ? ओके बात भैया, तुम्हारे सबके पाँव हाथ झोल ले छोड़ा दिया भैया, खो डर बच्चे को कहा चली घर आरी और कहा करी रोड पर रही कहा बच्चे को हम सुना है तब से दाना पानी नहीं है जब तो पेट है। बिल्कुल, तो धर्मराज की माँ को आप सुन रहे थे। धर्मराज की माँ का कहना है कि 2 महीने पहले ही उनका बेटा जो है भंगार का काम करने के लिए यहाँ से बाहर गया था, और पिछले 20 दिन पहले उनकी जो है बातचीत अपने बेटे से हुई थी। साथ ही साथ पैसे रुपए को लेकर के उनका ये कहना है कि कभी कोई पैसे रुपए जो है उसने भी बेटे ने नहीं भेजे थे, मात्र 2 महीने पहले गया था। माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनको जब सुबह पुलिस उनके घर पर आई तब उनको इस बारे में जानकारी मिली कि उनका बेटा इस कृत्य में शामिल है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो धर्मराज कश्यप युवक उस हत्याकांड में शामिल है, मैं इस वक्त गंडारा में उसके गांव में मौजूद हूं, और ये उसके घर की तस्वीरें हैं। आप देखिए घर जो है, घर की क्या स्थिति है। ये सामने जो घर है अभी बिना प्लास्टर का, ये घर सिर्फ ईंट से बना हुआ ये घर, और साथ ही साथ ये बाहर में जो कुछ जो बर्तन हैं वो आपको दिख रहे होंगे। अंदर की तरफ अगर हम आपको दिखाएँ तो 2 से 3 कमरों का ये जो घर है, इसी में पूरा का पूरा जो परिवार है वो गुजर बसर
करता था। कुल 6 भाई और एक बहन उसकी थी, जिसमें 3 भाइयों की और एक बहन की शादी हो चुकी है। इसकी उम्र उसकी माँ कंफर्म नहीं कर पा रही, वो कुछ 15-16-17 साल इस तरीके की उसकी माँ उसकी उम्र की बात कर रही है। और अंदर की तरफ में देखिए, ये भी जो खाने पीने का सामान और बर्तन जो है वो इस कमरे में आपको दिखेगा। कुल ये दो जो 3 कमरे हैं वो इसके घर में मौजूद हैं, और घर भी कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति में ही है। तो ये उसके घर की तस्वीरें, हालांकि उसकी माँ का ये कहना है कि अभी मात्र 2 महीने पहले वो यहाँ से काम के नाम पर गया था, और 20 दिन पहले उसकी पहली बार बातचीत उसके उसकी 20 दिन पहले उसकी बातचीत उससे हुई थी, और उसको इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी कि उसका बेटा इस तरीके के किसी कृत्य में शामिल हो जाएगा। इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। विवेक राय, IBP न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.